हैं, जैसे कि क्लास में फर्स्ट लेसन इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर आपको पढ़ा चुके हैं, समझा चुके हैं, बट इसके क्वेश्चन आंसर अभी नहीं हुए। तो इसके आज के इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। दे रखा फर्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन दे रखे हैं तीन चार, उसमें से सही ऑप्शन हमें चूज करके उस पर सही का निशान लगाना है। सही में क्वेश्चन नंबर वन में दे भी रखा है टेक द करेक्ट ऑप्शन, यानी सही ऑप्शन पर सही का निशान लगाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, कहा कि कौन सी सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस है। तो मैंने बता चुका हूँ कि सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी है, अवेका, जो कि चाइना ने चीन के द्वारा बनाई गई थी, डेवलप की गई थी। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सेकेंड ऑप्शन पर हम निशान लगा देंगे सही का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस हैज मल्टीप्लीकेशन टेबल्स इंस्क्राइब्ड इन दैम, यानी कि इनमें से कौन सी टेबल ऐसी है, कौन सी डिवाइस ऐसी है जो मल्टीप्लीकेशन टेबल्स इंस्क्राइब करती है। तो कौन सा होगा, नेपियर वॉन्स। नेपियर वॉन्स में ही कई सारी टेबल होती है, लगभग 12 11 12। नेक्स्ट क्वेश्चन हु डिज़ाइन डिफरेंस इंजन, यानी कि डिफरेंस इंजन किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर सी में हु डिज़ाइन डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया, बनाया गया। तो ये है किसके द्वारा बनाया गया था, ब्लेस पास्कल, जॉन सर जॉन नेपियर या वावेज। तो ये बनाया गया था चार्ल्स वावेज के द्वारा, डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया गया था। क्वेश्चन नंबर डी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर प्रोड्यूस हीट बिकॉज ऑफ, यानी कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो हीट यानी गर्मी प्रोवाइड कराते हैं बहुत ज़्यादा, क्यों ये बता भी चुका, क्योंकि उसमें कौन सा प्रोसीजर लगा हुआ होता है, वैक्यूम ट्यूब। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाज द फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, कमर्शियली अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है इनमें से, एडवेक, एनियक या यूनिवेक फर्स्ट। तो इसका ऑप्शन सही होगा यूनिवेक फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है IBM 7077 वाज डेवलप्ड इन जनरेशन, यानी कि IBM सेकेंड जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में या थर्ड जनरेशन में। तो IBM 7077 सेकेंड जनरेशन में डेवलप किया गया था, सेकेंड वाले पे निशान लगा देंगे। डेस्कटॉप एंड लैपटॉप आर हैं, डेस्कटॉप और लैपटॉप क्या हैं, सुपर कंप्यूटर हैं, PC हैं, पर्सनल कंप्यूटर हैं या रोबोट है। तो ये क्या है, दोनों पर्सनल कंप्यूटर। तो ये निशान लग जाएगा पर्सनल कंप्यूटर पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर H विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट ए करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कि इन निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की खासियत नहीं है, स्पीड नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है या थिंकिंग नहीं है। तो इसमें कौन सा होगा, स्पीड भी कंप्यूटर की करैक्टरिस्टिक्स है, एक्यूरेसी भी है और थिंकिंग, यानी कि कंप्यूटर थिंकिंग नहीं है क्योंकि कंप्यूटर सोचता नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैचिंग, मैचिंग द फ्लोइंग। तो निम्नलिखित का मिलान करना है, निम्नलिखित को हमें मिलाना है। तो फर्स्ट देखना है हमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का इसमें ऑप्शन देखना है हमें द अल्टार, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का मैचिंग है द अल्टार, अल्टार पर निशान लगा देना। बी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, फाइव जनरेशन कंप्यूटर में क्या हुआ था, फाइव जनरेशन कंप्यूटर का है फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। नेक्स्ट है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का है यूनियक फर्स्ट, यूनियक फर्स्ट पर निशान लगेगा। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का है 6 VLSI, VLSI। ऐसे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर कौन सा है, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जाएगा यूनिवेक 1108। और लास्ट है जी पास्कलिन, पास्कलिन ब्लेज पास्कल, इस पर मैचिंग होगी। तो ये मैचिंग कर लेना। अब इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि निम्नलिखित में जो फिलिंग है यानी ब्लैंक ऑप्शन दे रखे हैं उनको फिल करना। अब इसी के सामने देखिए ये ऑप्शन भी दे रखे हैं, क्या हमें इसमें फिल करना है। तो जो सही सेंटेंस के लिए सही वाला वर्ड इसमें से हम
फिल कर देंगे। जैसे फर्स्ट है द पास्कलिन वाज इन्वेंटेड इन, द पास्कलिन वाज इन्वेंटेड इन, पास्कलिन कब इन्वेंटेड हुआ था, कब बना था, वो इसका आएगा 1641 में, 1641 यहाँ आ जाएगा, 1641 होना था। दूसरा ऑप्शन है वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, यानी कि सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी है, तो इसमें दे रखा होगा सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस हम जानते हैं कौन सी है, अबेकस, ठीक ऐसी है। थर्ड इज नाउ एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का फादर किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, चार्ल्स बबेज, बबेज यानी कि ये वाला ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है इज पॉपुलरली नाउ एज चिप, यानी कि माइक्रो प्रोसीजर, इसमें आएगा माइक्रो प्रोसीजर, लास्ट वाला ऑप्शन माइक्रो प्रोसीजर, तो माइक्रो प्रोसीजर इज पॉपुलरली नाउ एज ए चिप, माइक्रो प्रोसीजर को एक परम 1000 एंड अनुराग आर मेड इन इंडिया, परम 1000 और मेड इन इंडिया यानी कि सुपर कंप्यूटर, ये कौन से कंप्यूटर हैं, सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर पर जैसे कैन कंप्यूटर स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, क्या कंप्यूटर डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर सकता है, तो ये बात सही है, तो यहाँ हम लिख देंगे यस। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है डिड चार्ल्स बबेज इन्वेंट अबेकस, क्या चार्ल्स बबेज अबेकस को इन्वेंट किया था, बनाया था चार्ल्स बबेज ने, जी नहीं, तो नो। ऐसे ही वाज एनियक डेवलप्ड बाय ब्लेज पास्कल, ब्लेज पास्कल के द्वारा डेवलप हुआ था एनियक, जी नहीं, तो इसमें भी नो कर देंगे। डिड चार्ल्स बबेज इन्वेंट फर्स्ट कैलकुलेटर, चार्ल्स बबेज ने सबसे पहला कैलकुलेटर बनाया था, जी नहीं, चाइना के द्वारा बना था। डिड फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब, नेक्स्ट है क्या फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है वो वैक्यूम ट्यूब यूज करते हैं, जी ये बात सही है, यस। अब बात आती है सब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें 5 में दिखाया यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन हैं, उनके शॉर्ट ही आंसर देने। जैसे नेम द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन, यानी कि सबसे पहली कैलकुलेटिंग मशीन का नाम लिखिए, तो सबसे पहली कैलकुलेटिंग मशीन का नाम है अबेकस, आंसर क्या है, अबेकस। दूसरा ऑप्शन है नेम द मशीन विच वर डेवलप्ड बाय चार्ल्स बबेज, यानी कि कौन सी मशीन थी जो चार्ल्स बबेज के द्वारा डेवलप की गई, कौन सी मशीन है, आंसर में लिखा है डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन चार्ल्स बबेज के द्वारा ही डेवलप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सी विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड माइक्रो प्रोसीजर चिप, यानी कि कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसीजर चिप यूज की गई थी, तो जनरेशन 5 मैंने बताई थी आपको, 5 में बताया था सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ICC ट्रांजिस्टर, ICC माइक्रो प्रोसीजर, तो कौन सी जनरेशन में था, माइक्रो प्रोसीजर यूज होता है 4th जनरेशन, क्वेश्चन है 4th जनरेशन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसीजर का यूज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी में दिया है वो जो इन्होंने कि नेम 3 काइंड्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर के 3 प्रकार लिखे कौन कौन से प्रकार हैं, तो फर्स्ट है डेस्कटॉप कंप्यूटर, सेकंड लैपटॉप कंप्यूटर और थर्ड पाम टॉप कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 5 में शॉर्ट क्वेश्चन थे इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहला फर्स्ट है डिफाइन द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की लिमिटेशन डिफाइन करनी है, क्या क्या उसकी लिमिट है, कितना काम कर सकता है या क्या नहीं कर सकता। लिमिट द ऑपरेटिंग स्पीड वाज क्विट लो, जो उसकी स्पीड है ऑपरेटिंग स्पीड, चलने की स्पीड है कंप्यूटर की, वो कैसी है, लो है, स्लो है। द कंजप्शन ऑफ पावर वाज वेरी हाई, जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जो पावर लेते हैं वो बहुत ही हाई लेते हैं, बहुत हाई पावर उनको चाहिए चलाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है दे एक्यूपेड लार्ज स्पेस फॉर इंस्टॉलेशन, यानी कि उसको बनाने के लिए
फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को रखने के लिए, जैसे मैंने क्लास में बताया था आपको कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर एक रोम के बराबर बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं, तो उसको बहुत बड़ा स्पेस चाहिए। नेक्स्ट है, वैक्यूम ट्यूब यूज इन दिस कंप्यूटर्स प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ हीट, यानी कि वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज होती है और इसी कारण वैक्यूम ट्यूब की वजह से ही ये कंप्यूटर क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी फेंकते हैं, ये इनकी लिमिटेशन है। ऐसे लास्ट क्वेश्चन सेकेंड है, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, मेंशन एनी थ्री, यानी कि मॉडर्न कंप्यूटर की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और उसके तीन करेक्टरिस्टिक्स को मेंशन कीजिए, लिखिए। तो सबसे नंबर वन है स्पीड, तो एक कंप्यूटर कैन परफॉर्म एडिशन सब्ट्रैक्शन ईटीसी एट ए वेरी हाई स्पीड, यानी कि कंप्यूटर जो है किसी भी कैलकुलेशन डिवाइस कैलकुलेशन को मैथमेटिकल को बहुत ही तेज स्पीड से बहुत जल्दी काम करता है। जो काम इंसान घंटों में करेगा उसी काम को कंप्यूटर सेकंडों में कर देता है। नेक्स्ट है दूसरा एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब ये है शुद्धता, यानी कंप्यूटर कभी भी गलत रिजल्ट नहीं देता है। अगर यूज़र ही उसमें कुछ गलत सेंड करेगा कुछ गलत इनपुट देगा तभी कंप्यूटर गलत रिजल्ट देता, वन अदरवाइज कंप्यूटर रिजल्ट गलत रिजल्ट नहीं देता है। तो कंप्यूटर प्रोड्यूस एक्यूरेट रिजल्ट एवरी टाइम, यानी प्रत्येक समय कंप्यूटर सही रिजल्ट देता है। हाई स्टोरेज, यानी कि इट कैन स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन एवरी स्मॉल स्पेस, इन ए वेरी स्मॉल स्पेस, यानी कि इसका जो स्टोरेज डिवाइस है वो बहुत सारा डाटा भी एक छोटे से स्पेस में स्टोर कर लेता है और बहुत ही डाटा स्टोर कर लेता है, बहुत ज़्यादा स्पेस। आदमी के अकॉर्डिंग इसकी जो मेमोरी होती है कैपेसिटी मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है कंप्यूटर की। तो ये आपका फर्स्ट लेसन पूरा कंप्लीट हो चुका है और मुझे आशा है उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ में आ गया है और आप इसे अच्छे से अपनी बुक और नोटबुक दोनों में फिल करने के बाद आकर मुझसे चेक करा लें। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है किसी ने भी, अगर कोई सब्सक्राइब करने से रह गया तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि अगला जो वीडियो डालूंगा मैं सब्जेक्ट की वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन